और आप जो है सो मैं हूं दिनेश सहनी आजाद गांधी, आज मैं हूं निषाद भवन मुजफ्फरपुर में। कैप्टन जय नारायण निषाद और सांसद अजय निषाद का यही घर है, उनको पटना से लाया जा रहा है। तब तक हम आपको कुछ लोगों से बातचीत कराएंगे, उनके बारे में क्या किन की राय है। आज भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं हमारे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जो गरीबों, दूषित दलितों एवं शोषित के आवाज़ को आगे उठाने वाले कैप्टन जय नारायण निषाद जी के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ सैकड़ों के तादाद में लोग आए हुए हैं, उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमें नहीं बाबू जी कह के बुलाते थे, बाबू जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हमेशा उनकी प्रेरणा लेते रहेंगे। और हमने उनसे ही सीखा कि संगठन समाज के लिए कैसे जीना चाहिए। बाबूजी बहुत चीज़ देखे गए हैं, हम उनको फिर से सत्सर नमन करते हैं। कैप्टन जय नारायण निषाद जी जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे, वह मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिए, 5 बार सांसद रहे, बहुत ही अपूर्व नेता रहे, और जो हम आज उनको खो दिए हैं, ये गरीबों के हित में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे गैस ही देकर बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और आज उन्हीं का दिन है कि आज उनको नमन करने के लिए इतने तादाद में लोग जमा हुए हैं। जीवनी के बारे में कुछ, कैप्टन निषाद बहुत ही सोशल और बहुत ही वैचारिक लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, क्या कहा जाए, समाज में सबसे नीचे तबके के लोगों को भी उन्होंने उठाने का काम किया और जगह पर पहुंचाने का काम किया। बहुत ही सरल व्यक्ति थे, उनको जितना भी कह दिया जाए कम है, और समाज के पूरे निषाद समाज के पूरे देश स्तर पर उन्होंने जो है काम करने का काम किया, और मान सम्मान दिलाने का काम किया, अधिकार हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। कैप्टन निषाद उस व्यक्ति का नाम था, लेकिन कल सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इससे हमारे समाज ही नहीं, पूरे देश, पूरे समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। वह हाजीपुर के हसारगंज में उनका घर था, वैशाली जिला था, और मुजफ्फरपुर से 5 बार सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा का सांसद भी रहे। उन्होंने यही उनका जो है जीवनी है। मंत्री भी थे, भारत सरकार के मंत्री भी थे, एसडी देवगढ़ा के समय में और इंद्र कुमार गुजराल के समय में। ये हमारे आदरणीय निषाद जी समाज के बहुत बड़े चिंतक थे, और इन्होंने अपने समाज में जो दिया है यह बहुत बड़ा इनका योगदान है, और ये इनके निधन से हम सभी समाज में काफ़ी समाज में आहत है, और इनका बहुत हम लोग ऊपर कृपा बना रहा, और इनके कृपा का जो देन रहा, जो आज हम लोग नेतृत्व के ऊपर आगे उभरे हैं, और जिला पार्षद के रूप में हम मिनापुर 32 से हैं, कंचन से हैं। उनमें एक खास स्वभाव रहा है कि जब भी खासकर मुझे मिलना होता था तो सीधे मैं उनके कमरे में चला जाता था, कभी कोई गार्ड भी हुआ तो उनको जो है सो कहते थे कोई बात नहीं, मुझे चाचा से मिलना है, और जिद से चले जाते थे, और उनकी कुछ कमी मुझे जो लगता था उनके मुंह पे कह देता था, और वो ठीक से समझते बूझते और मुझे समझाते, और कभी भी वो जो सही होता वही सलाह देते थे। उनका जो एक स्वभाव रहा है कि अपने विरोधियों की भी बात को गौर से सुनते थे। कैप्टन निषाद के पार्थिव शरीर देर से पहुंचने के कारण आज उनका दाह संस्कार नहीं हो पाया। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही उनके अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी, सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी अंतिम दर्शन करने
मंत्री सुरेश शर्मा, मदन सहनी, लाल बाबू सहनी, भोगेंद्र सहनी, तेज नारायण सहनी, अजय सहनी, मनोज सहनी, पूर्व उप प्रमुख केदार सहनी, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र तिवारी, बामसेफ के नरेश कुमार सहनी, लड्डू सहनी समेत कई लोग पहुँचे। कैप्टन निषाद अपने पुत्र की तरह ही गायघाट के वकील सहनी को मानते थे। वीरेंद्र कुमार सिंह को विधायक बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका थी सन 2000 में। इन तमाम राजनीतिक कहानियों जो उनसे जुड़ी है एक दिन समय निकाल कर सुनाऊंगा, और साथ में अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद भी साथ होगी। और आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति महामहिम ने सांसद अजय निषाद को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है, और फेसबुक ट्विटर के माध्यम से समकमला मुकेश सहनी ने भी शोक व्यक्त किया है, और तमाम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जो कि दूसरे पार्टी से भी जुड़े हुए हैं सब ने शोक व्यक्त किया है। मुजफ्फरपुर पहुँचते ही लोग दिल से नारा लगा रहे थे, कैप्टन निषाद अमर रहे, अजय भैया मत घबराना।